बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी नौकरी चली गई, बहुत बुरा हुआ कि वो मर गई, बुरा हुआ कि तुम इम्तहान में फेल हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर सबसे पहले आप याद कर लें, इट्स टू बैड दैट। इसके साथ में आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कोई भी सेंटेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की हिंदी होती है बहुत बुरा हुआ या फिर बहुत अफसोस की बात है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है कि बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी जॉब चली गई तो आप बोलेंगे इट्स टू बैड दैट यू लॉस्ट योर जॉब, इट्स टू बैड दैट यू लॉस्ट योर जॉब। बहुत बुरा हुआ कि वो मर गई, इट्स टू बैड दैट शी डाइड, इट्स टू बैड दैट शी डाइड। बहुत बुरा हुआ कि तुम इम्तहान में फेल हो गए, इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट यू फेल्ड इन एग्जामिनेशंस, इट्स टू बैड दैट यू फेल्ड इन एग्जामिनेशन। बड़े अफसोस की बात है कि हम पढ़े लिखों की कदर नहीं करते, इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट वी डोंट वैल्यू द एजुकेटेड पीपल, इट्स टू बैड दैट वी डोंट वैल्यू द एजुकेटेड पीपल। बहुत अफसोस की बात है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो, इट्स टू बैड दैट यू आर नॉट कमिंग विद अस, इट्स टू बैड दैट यू आर नॉट कमिंग विद अस। अब दोस्तों आज का सवाल, बड़े अफसोस की बात है कि आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि मुझे पता चल जाए कि लेसन आपकी समझ में आ गया है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।